नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अनुवाद श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कोश निर्माण की परंपरा का आंकलन, और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, और कोश निर्माण की परंपरा का आंकलन इस पर आज विशेष चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी ये श्रृंखला अनुवाद से संबद्ध चल रही है, और अनुवाद करते हैं तो उसमें कोशों का विशेष महत्व होता है। कोश एक उपकरण है जिनकी सहायता से अनुवादक अनुवाद करने में अग्रसर होता है। तो कोश के निर्माण की एक परंपरा रही है, और ये निर्माण की परंपरा कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और किस स्वरूप में होती हुई आज जिस स्वरूप में हमारे पास कोश हैं उसमें क्या क्या परिवर्धन आए, इस सब की चर्चा आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि कोश का स्वरूप अत्यंत प्राचीन एवं विविधतापूर्ण है। यह ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका आरंभिक रूप संस्कृत साहित्य से ही प्रकाश में आ गया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य को भी हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य आता है, और उसके पश्चात लौकिक संस्कृत साहित्य, और कोश निर्माण की परंपरा हमें वैदिक साहित्य से ही देखने को मिल जाती है। वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमारा प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के दशम मंडल में ही एक सूक्त आता है यक्ष्मा सूक्त, और इस यक्ष्मा सूक्त में मानव शरीर के विविध अंगों का उल्लेख है जो कि कोशकार की पद्धति पर दिए गए शब्दों के समान व्यवस्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ ही ऋग्वेद से हो जाता है। उसके पश्चात यजुर्वेद में अध्याय 24 आता है जिसमें 609 जातियों के पशुओं अथवा जीवों का उल्लेख है। यजुर्वेद में ही अनेक प्रकार के वर्ष 12 मासों के वैदिक नाम क्रम से प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद में अध्याय 30 है जिसमें 100 से ऊपर व्यवसायियों के नाम हमें मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि कोश जिस रूप में आज है वह रूप तो नहीं, परंतु एक प्रारंभिक बीज के रूप में हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। और वैदिक ऋचाएँ, वैदिक मंत्र जो रचे गए, तो उन वैदिक संहिताओं में अनेक शब्द कठिन शब्द थे, दुरूह शब्द थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। तो वेदों में से, वैदिक संहिताओं में से इन कठिन शब्दों को निकाला गया और उन शब्दों को अलग से संकलित किया गया निघंटु के नाम से। निघंटु एक कोश परंपरा में एक प्रारंभिक बीज के रूप में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और यास्क रचित, यास्क ने इस निघंटु पर निरुक्त नाम से व्याख्या की है। इस निघंटु में वैदिक संहिताओं के 1767 शब्दों को संकलित किया गया है। यास्क के अनुसार निघंटु वह है जिसमें पर्याय शब्दों, अनेकार्थी शब्दों तथा देवताओं के नामों का संग्रह है। यह कोश वैदिक संहिताओं के कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। इस ग्रंथ में उल्लिखित निरुक्तियाँ वैदिक अर्थों को जानने की एक नई पद्धति आरंभ करती है। निघंटु में तीन कांड हैं, नैघंटुक, नैगम या एकपदिक और दैवत। जो नैघंटुक इसका पहला कांड है, उसके अंतर्गत तीन अध्याय हैं जिनमें प्रायः पर्यायवाची शब्दों को संकलित किया गया है। पहले अध्याय में इस लोक और अन्य लोकों में स्थान और समय से संबंधित पदार्थ हैं। दूसरे अध्याय में मनुष्य, उसके शरीर और कार्य आदि से संबंधित पदार्थ हैं। तीसरे अध्याय में पहले दोनों अध्यायों में दिए गए पदार्थों के ह्रस्व, महत आदि गुणवाचक शब्द संकलित हैं।
इसी नैघंटुक का दूसरा कांड कहलाता है नैगम कांड। इस नैगम कांड में प्रायः दुरूह और अनेकार्थक वैदिक पद संग्रहित हैं। तीसरा कांड जिसे दैवत कांड कहा जाता है, इस पद कांड में वैदिक देवताओं के नाम आदि संकलित हैं। कालांतर में ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में निघंटु की पद्धति पर अनेक कोश ग्रंथ लिखे गए जो निघंटु के नाम से प्रसिद्ध हैं। कठिन शब्दों को चुनकर उन्हें प्रकाश डालने के लिए अलग कर दिया जाता था, इसीलिए निघंटु के लिए निगमन शब्द आया और निगमन से ही आगे चल करके निघंटु शब्द बना। और शब्द कल्पद्रुम जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है, उसमें 29 प्रकार के शब्दकोशों का उल्लेख किया गया है जो निघंटु की ही पद्धति पर आधारित थे, परंतु आज ये कोश अनुपलब्ध है। अब हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य की। वैदिक संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से निघंटु प्रसिद्ध था, उसी प्रकार लौकिक संस्कृत में जो कोश आया वो सबसे प्रसिद्ध कोश रहा नाम लिंगानुशासन। नाम लिंगानुशासन अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध कोश है और इसके रचयिता, इसके कोशकार जो थे वो अमर सिंह थे। तो अमर सिंह के नाम के कारण इस कोश को अमर कोश नाम से ज़्यादा जाना जाता है, नाम लिंगानुशासन के रूप में कम पहचान है। इस नाम लिंगानुशासन में 10,000 शब्दों का संकलन किया गया है। इस कोश में 3 कांड हैं, इसलिए इस कोश का एक नाम त्रिकांडी भी रखा गया, इसीलिए इसे त्रिकांड भी कहा जाता है। इसमें भी निघंटु वाली पद्धति को अपनाते हुए शब्दों को आधुनिक कोशों की तरह वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने की अपेक्षा परस्पर संबद्ध क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिन्हें वर्ग की संज्ञा दी गई है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यहाँ पर वर्ण क्रमानुसार जिस प्रकार आजकल कोश लिखे जाते हैं वह वर्ण क्रम नहीं मिलते हैं, यहाँ विषय को ध्यान में रखते हुए विषय के आधार पर वर्ग निश्चित कर लिए गए और उन वर्गों के आधार पर ये शब्दकोश निर्मित है, जिसमें जैसे वनौषधि वर्ग है, लिंगादि संग्रह वर्ग है, नाट्य वर्ग है, दैवत वर्ग है, सिंहादि वर्ग है, मनुष्य वर्ग है। तो इस प्रकार इस कोश में विषय को केंद्र में रखते हुए और 10,000 शब्दों का संकलन किया गया, जो प्रारंभिक कोशों की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कोश है। और इस कोश पर 70 से भी अधिक व्याख्याएं लिखी गई हैं। इसी क्रम में संस्कृत साहित्य में ही एक दूसरा कोश मिलता है जिसे अनेकार्थ समुच्चय कोश कहा गया है। अनेकार्थ समुच्चय कोश के कोशकार शाश्वत रहे हैं और शाश्वत के नाम से ही इस कोश का नाम भी शाश्वत कोश पड़ गया। जिस प्रकार अमर सिंह के कारण कोश का नाम अमर कोश रख दिया गया, उसी तरह से शाश्वत कोश, शाश्वत ने जो कोश रचा अनेकार्थ समुच्चय, उसका नाम शाश्वत कोश पड़ गया। तो इसमें नानार्थक शब्दों का, विभिन्न अर्थ वाले शब्दों का संकलन किया गया है। ये कोश 6 वर्गों में विभक्त है। इस कोश की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यहाँ जो शब्द चयन किया गया है उनको वर्ण क्रम से नहीं रखा गया, उसमें क्रम का अभाव है और क्रम का अभाव होने के कारण पाठकों को उसमें शब्द को ढूंढने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से ये शाश्वत कोश अनेकार्थी शब्दों के संकलन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्रम न होने के कारण पाठकों के लिए असुविधाजनक है। इसके अतिरिक्त अन्य जो संस्कृत के महत्वपूर्ण कोश रहे उनमें है धनंजय कोशकार हैं, जिनका कोश अनेकार्थ नाम माला के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से हलायुद्ध कोशकार थे और हलायुद्ध ने कोश का नाम तो उनके अभिदान रत्नमाला है, पर यह कोश भी हलायुद्ध कोश के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यादव प्रकाश का कोश है वैजयंती कोश। आकार आदि क्रम से प्रस्तुत ये पहला कोश है। ये संस्कृत का पहला ऐसा कोश है जिसमें शब्दों को आकार आदि क्रम से प्रस्तुत किया गया है।
तथा इसमें वैदिक शब्दों का भी संकलन किया गया है। जबकि संस्कृत साहित्य में जब कोश में शब्द चयन की परंपरा प्रारंभ हुई तो निघंटू में या निघंटू से जुड़े हुए उस प्रकार के जो अन्य कोश थे उनमें वैदिक संहिताओं के ही शब्दों का संकलन था। पर ये जो आधुनिक लौकिक संस्कृत साहित्य में नए कोशों का निर्माण होने लगा तो इनमें एक तो आकार आदि क्रम का प्रारंभ हुआ यादव प्रकाश के कोश से, वैजयंती कोश से, और इसके साथ ही लौकिक संस्कृत के शब्द और साथ ही साथ वैदिक साहित्य के शब्दों का भी संकलन किया गया। इसी तरह से मेदिनी कर थे और मेदिनी कर का कोश था नानार्थ कोश, जिसे मेदिनी कोश के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र एक प्रसिद्ध कोशकार हुए और इनके कोश का नाम था अभिदान चिंतामणि और अनेकार्थ संग्रह। केशव ने एक कोश की रचना की कल्पद्रुव कोश। ये संस्कृत का विशालकाय कोश है और इसमें 4000 श्लोकों का संकलन किया गया है। मित्रों, एक बात मैं और विशेष रूप से बता दूं कि वैदिक संहिताओं को लेकर के जो शब्द चयन किया गया निघंटू आदि कोश बने और इसी तरह से लौकिक संस्कृत के शब्दों का चयन करके जब लौकिक संस्कृत के कोश बने तो इन कोशों में जो शब्दों का संचयन किया गया वो पद्यबद्ध रूप में था, श्लोकों के रूप में उनका संचयन किया गया। तो जिस तरह से वैदिक संहिताओं का वेद पाठी उनका प्रतिदिन अध्ययन करते थे, उनको कंठस्थ करते थे, प्रतिदिन उनका पाठ करते थे, उन्हें एक आदर की दृष्टि से देखते थे, उसी प्रकार से वैदिक संहिताओं के शब्दों का चयन करके जो निघंटू कोश बना उसको और उसके ऊपर जो व्याख्या यास्क द्वारा निरुक्त के रूप में की गई, इन दोनों को ही बिल्कुल वैदिक संहिताओं की तरह ही आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और वेद पाठी इन कोशों को भी, इन कोशों में निहित श्लोकों को भी कंठस्थ कर लिया करते थे और प्रतिदिन उसी तरह से पाठ करते थे जैसे वैदिक साहित्य का पाठ करते हैं। तो ये जो कोश निघंटू आदि बने या अमर कोश बना या मेदिनी कोश, हलायुद कोश आदि बने, ये सब कोश परंपरागत कोश कहलाते हैं। जो परंपरा एक प्रारंभ हुई, एक पद्धति प्रारंभ हुई पद्यबद्ध रूप में, श्लोकों के रूप में कोश निर्माण करने की, ये पद्धति चल रही थी। अब इसी पद्धति के साथ साथ संस्कृत में आधुनिक पद्धति प्रारंभ हुई जिसमें जो शब्दकोश प्राचीन शैली से भिन्न थे, ये शब्दकोश कंठस्थ करने के लिए नहीं लिखे गए थे, क्योंकि निरुक्त आदि या निघंटू कंठस्थ कर लिया करते थे। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी याद कर ली जाती है, ऐसे ही इन कोशों को भी याद कर लिया जाता था, परंतु इन कोशों में कंठस्थ करने की परंपरा नहीं थी। तो एक आधुनिक दृष्टि लेते हुए एक आधुनिक पद्धति के रूप में कोशों का निर्माण आरंभ हुआ और इन कोशों में शब्दों को आकार आदि क्रम से प्रस्तुत करना, उनका अर्थ विकास प्रदर्शित करना, अर्थ वैभिन्न की दृष्टि से विभिन्न प्रयोग स्थलों को उद्धृत करना, लौकिक एवं वैदिक शब्दों का संकलन, अर्थ निर्देश के लिए भाषांतरण का प्रयोग, सामग्री का छंदोबद्ध ना होना, ये इन कोशों की विशेषताएं रहीं कि अब सामग्री जो कोश की सामग्री थी वो छंदोबद्ध नहीं थी। इनमें लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के शब्दों का, चाहे वो वैदिक संहिताओं से लिए गए या उस समय जो लौकिक संस्कृत में साहित्य रचा जा रहा था उनसे शब्दों का संग्रहण किया गया और उनका विभिन्न प्रयोग अर्थ विभिन्नता की दृष्टि से, उन शब्दों के जो विभिन्न प्रयोग हैं और जिन स्थलों पर उनका प्रयोग किया गया है वे सब दिखाना भी कोशकार का उद्देश्य रहा। तो अब कोश में एक अलग दृष्टि विकसित हो रही है, अब केवल वो परंपरागत कोश नहीं रहे, अब कोश में लौकिक साहित्य में रचित शब्दों को लिया जा रहा है, उनके अर्थ पर विशेष के दृष्टि केंद्रित रही, अर्थ की विभिन्नता पर केंद्रित रही और साथ ही साथ उनका विभिन्न संदर्भों में कैसे वे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वह भी दृष्टि में रहा और इन शब्द कोशों को अब आकार आदि क्रम से इस रूप से संकलित किया गया कि वो छंदोबद्ध नहीं थे। ये शब्द कोश
जो इस काल में रचे गए वे हैं, एच एच विल्सन ने संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया। इसमें जितने भी प्राचीन कोश लिखे गए थे, चाहे वे अमर कोश था या निघंटु था या हला युद्ध कोश आदि था, उन शब्दकोशों में जो शब्द आए थे उन शब्दों का संकलन करके वर्णानुक्रम से उनके संग्रह किया गया और उनको अंग्रेजी में उनके अर्थ दिए गए। 1819 में इस कोश का निर्माण हुआ। इसके पश्चात शब्दकल्प द्रुम 7 खंडों में एक विशाल संस्कृत शब्दकोश का निर्माण हुआ और ये शब्दकोश किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा ना निर्मित करके अनेक विद्वानों द्वारा, अनेक विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा निर्मित किया गया और आज भी इस कोश की उतनी ही महत्ता है। और संस्कृत का शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जो इसमें संग्रहित ना हुआ हो। इसी तरह से मोनियर विलियम्स ने संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, ये इस डिक्शनरी का निर्माण किया और तारानाथ भट्टाचार्य ने वाचस्पत्यम इस कोश का संपादन किया और इसमें इस शब्दकोश को, वाचस्पत्यम को संस्कृत शब्दों का विश्वकोश कहा जाता है। ऐसे ही मैकडॉनल ने संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी इस कोश का निर्माण किया और ये संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी जो बनाई गई ये यूरोप के छात्रों को संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य से, उनको संस्कृत का ज्ञान देने के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाई गई। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि जो कोश निर्माण की परंपरा है उसका प्रारंभ संस्कृत से ही हो जाता है और बीज रूप में तो वैदिक साहित्य में ही मिलने लगता है। और संस्कृत में जो कोश निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई वही परंपरा आगे हम देखते हैं पाली, प्राकृत से होती हुई हिंदी तक पहुंचती है। अब संस्कृत साहित्य की भाषा थी और ये एक भाषा विज्ञान का नियम है कि जब कोई एक भाषा साहित्यिक भाषा बन जाती है तो उसके समकालीन एक जनभाषा या लोक भाषा या जिसे हम बोलचाल की भाषा कहते हैं वह भी विकसित होने लगती है। तो जब संस्कृत परिनिष्ठित भाषा बन गई, अभिजात्य वर्ग की भाषा बन गई, तो उस समय समाज में पाली और प्राकृत ये दो भाषाएं लोक भाषाओं के रूप में, जन भाषाओं के रूप में, बोली के रूप में प्रचलित थी। और उसी समय में दो महान पुरुष हुए, एक गौतम बुद्ध और दूसरे महावीर स्वामी। इन दोनों महान पुरुषों ने संस्कृत को अपने उपदेशों का माध्यम न बना करके जनता के बीच में अपनी बात को रखने के लिए, उसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए जन भाषाओं का सहारा लिया, जन भाषाओं में अपने उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को अपने उपदेशों को माध्यम बनाया और पाली भाषा में जो उनके उपदेश दिए गए तो बौद्ध धर्म की जो नई नई अवधारणाएं, नई नई संकल्पनाएं विकसित हुई तो उनका अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए, नए शब्दों के अर्थ देने के लिए पाली भाषा में भी शब्दकोशों का निर्माण हुआ। तो पाली में जो शब्दकोश बना उसका नाम है महाव्युत्पत्ति कोश। महाव्युत्पत्ति कोश ये पाली भाषा का प्रमुख कोश है। इस कोश में 284 प्रकरण हैं, 9000 शब्दों का संकलन किया गया है। यह शब्दकोश बौद्ध धर्म की अवधारणाओं के साथ साथ पशुओं, वनस्पतियों तथा रोगों आदि का भी उल्लेख करता है। केवल शब्दों का संग्रह ही नहीं है, उसमें अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। और यही पाली भाषा का पहला कोश है जिसमें मुहावरों का भी संकलन किया गया है। मुहावरे भी हमें इस कोश में मिलते हैं। एक पाली भाषा में ही जो अन्य कोश रचे गए वे हैं सद्धम्म कित्ति का। सद्धम्म कित्ति एक बौद्ध भिक्षु हुए, उनका कोश था एक अक्षर कोश। इसी तरह से मोगलान कोशकार थे, उन्होंने धातु पाठ नाम से कोश की रचना की। ऐसे सद्ध नीति का धातुमाला और हिंगुल बदन जिन रतन का धात्वत्थ दीपिनी ये कोश बना। तो
इस तरह से पाली भाषा में बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुए जो नई संकल्पनाएं आई थी उनको बताने के लिए और नई ज्ञानवर्धक बातों को बताने के लिए कोश का निर्माण किया गया पाली भाषा में। इसी तरह से जैसे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा को चुना, उसी तरह से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, उन्होंने प्राकृत भाषा को अपने उपदेशों का आधार बनाया। क्योंकि जब किसी को भी अपनी बात जनता तक पहुंचानी होती है तो वो जन भाषा का ही प्रयोग करता है, और जन को संबोधित करने के लिए जनता की बोली से बढ़कर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। तो प्राकृत भाषा में जब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए तो प्राकृत भाषा में भी उनके उपदेशों से जुड़े हुए जो नए शब्द आए, जो नई अवधारणाएं आईं, जो नए व्याकरणिक कोटियां बनी, जो नए नए प्रत्यय बन करके आए, उनको स्पष्ट करने के लिए प्राकृत भाषा में भी कोशों का निर्माण हुआ। प्राकृत में सर्वप्रथम धनपाल कोशकार हुए हैं, जिन्होंने पाय्य लच्छी नाम माल, पाय्य प्राकृत के लिए आता है, पाय्य लच्छी नाम माल, इस नाम का से 972 ईस्वी में कोश का संपादन किया। इसी तरह से हेमचंद्र ने देशी नाममाला कोश का संपादन किया, और पंडित हरगोविंद दास ने पाये सद्द महाणवो ये कोश का निर्माण किया। और ये जो पाये सद्द महाणवो है, प्राकृत शब्द महाणव जो संस्कृत में शब्द है, प्राकृत के शब्दों का महासमुद्र है। इसमें प्राकृत के शब्द मूल शब्द दिए हुए हैं, उनके साथ संस्कृत के प्रति शब्द दिए हैं, और फिर उनका हिंदी में अर्थ दिया गया। तो इस तरह से संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में कोशों की एक परंपरा चली आ रही है। और आगे चल करके हम देखते हैं अपभ्रंश में उस रूप में कोई उल्लेखनीय कोश का निर्माण नहीं हुआ, और हिंदी में भी जो कोश लेखन की परंपरा है वो मध्यकाल में 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक को हम प्रारंभिक रूप में देख सकते हैं, जिनमें छोटे बड़े कई कोशों का निर्माण हुआ। तो मध्यकाल में जो 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कोश लिखे गए, उनमें नंददास का, नारायण सिंह भाटी का, गरीबदास, मिर्जा खां, रत्नजीत, अमीर खुसरो का खालिकबारी, नवल सिंह प्रधान का नामचिंतामणि आदि कोश महत्वपूर्ण रहे हैं। मध्यकालीन जो हिंदी कोशकार थे, उन्होंने अपने शब्द कोशों में शब्द संकलन का मुख्य आधार संस्कृत के अमरकोश और मेदिनी कोश को बनाया। और इस युग में अधिकांश कोश नाममाला एवं एकाक्षरी कोश हैं। ये कोश उच्चारण एवं वर्तनी के साथ साथ शब्दों को भी परिभाषित करते हैं। इस युग में अरबी फारसी के कोश भी संपादित हुए हैं। अकरबुल मुवारिद का लुगाताए गुजरी महत्वपूर्ण कोश है। इसी तरह से भारतीय मानसिकता को समझने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा इसी युग में ही द्विभाषी कोश का सूत्रपात हुआ। 1772 में हेगले ने उर्दू व्याकरण लिखकर इसके परिशिष्ट में अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश लिखा, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे हिंदी अंग्रेजी का पहला द्विभाषी कोश मानते हैं। इसी क्रम में फर्ग्यूसन ने ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज इंग्लिश, हेनरी हैरिस ने हिंदुस्ताना इंग्लिश डिक्शनरी, गिलक्रिस्ट ने ओरिएंटल लिंग्विस्टिक ये कोश का निर्माण किया। आधुनिक काल में हम देखते हैं कोश निर्माण की जो परंपरा है उसको हम तीन वर्गों में बांट देते हैं। एक प्रारंभिक काल है जो 1850 तक माना जाता है, जहाँ कोश निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई, और दूसरी जो परंपरा है वो 1851 से लेकर के 1950 तक चली। और 1850 से पूर्व जो है, अनेक विदेशी विद्वानों ने कोशों का निर्माण किया ताकि हिंदी को अंग्रेज जो प्रशासन के लोग थे वो समझ सके, भारत वालों की मानसिकता को वो समझ सके। अंग्रेज प्रशासकों को
हिंदी भाषा के ज्ञान से अवगत कराने के लिए और अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिशब्द उपलब्ध कराने के लिए अनेक महत्वपूर्ण हिंदुस्तानी अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोशों का निर्माण विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें जैसे कैप्टन जोसेफ टेलर है, इन्होंने ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश, रूसो ने बृहत हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश का निर्माण किया जिसमें लगभग 70,000 शब्दों का संग्रह है। ऐसे ही जॉन शेक्सपियर ने अ डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश का निर्माण किया और WH Allen & Co. इन्होंने एक डिक्शनरी का निर्माण किया 1848 में, हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश टू विच इज़ एडिड अ रिजर्व्ड पार्ट इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इस युग का ये सबसे बड़ा प्रकाशित शब्दकोश है। ये आधुनिक काल का एक प्रारंभिक युग माना जाता है। उसके पश्चात दूसरा जो समय है विकास काल 1851 से 1950 तक, इस काल में अनेक कोश रचे गए और द्विभाषी कोशों का रचना का प्रारंभ हुआ, जहां एक ओर देश के विस्तृत भूभाग में फैली हिंदी भाषा का अध्ययन किया गया, वहां दूसरी ओर विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों से जुड़े अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी का अधिकाधिक शब्द भंडार उपलब्ध कराया गया। अब यहाँ शब्द कोशकार एक ओर सांस्कृतिक शब्दों का महत्व दे रहे थे तथा विविध भाषाओं के शब्दों का समन्वय कर वैविध्यपूर्ण शब्द संपदा बना रहे थे। इन कोशों में मुख्य नाम है मथुरा प्रसाद मिश्र का, सदा सुखलाल वर्मा, राम प्रताप शर्मा, राम नारायण लाल, द्वारकादास चतुर्वेदी, नवल जी, केदारनाथ भट्ट, हरिशंकर शर्मा आदि। तो इन विद्वानों ने अनेक कोशों का निर्माण किया, प्रामाणिक हिंदी कोश, राष्ट्रभाषा कोश, बृहद हिंदी कोश, इस तरह से। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कोश निर्माण का कार्य अधिक प्रगति, स्वतंत्र भारत पे कोश निर्माण का कार्य भारत सरकार की ओर से भी किया गया, संस्थाओं की ओर से भी प्रारंभ किया गया और अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किया। संस्थाओं के रूप में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर नाम से कोश का निर्माण किया और केंद्रीय हिंदी निदेशालय से समय समय पर अनेक तकनीकी शब्दों का, वैज्ञानिक पर शब्दों की और प्रशासनिक शब्दों की पारिभाषिक शब्द कोश तैयार किए जा रहे हैं। अभी उनका एक हिंदी अभिनव कोश निकला, लघु पारिभाषिक कोश का निर्माण हुआ और इस तरह से एक नया नाम, एक उल्लेखनीय नाम जो इस क्रम में आया डॉक्टर रघुवीर का, जिन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स 1991 में ये कोश आया, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में था। इसी तरह से हरदेव बाहरी ने बृहद हिंदी अंग्रेजी कोश और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बृहद अंग्रेजी हिंदी कोश, और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम आया फादर कामिल बुल्के का, जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण किया। ऐसे ही भोलानाथ तिवारी, बद्रीनाथ कपूर, कैलाश चंद्र भाटिया, नरोत्तम स्वामी, अरविंद कुमार, डॉक्टर टंडन, श्याम बहादुर वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा आदि अनेक विद्वान हुए जिन्होंने कोश निर्माण करके हिंदी शब्द संपदा को, हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा के विस्तार विकास में अपूर्व योगदान दिया। और मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि कोश निर्माण की परंपरा निरंतर चलती रही और जो संस्कृत साहित्य से, वैदिक साहित्य से बीज रूप में प्रारंभ हुई, वो किस तरह से परंपरागत पद्धति से आगे बढ़ती हुई, निरंतर विकसित होती हुई, आज हमारे सामने एक नवीन विधा के रूप में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक उपयोगी विधा के रूप में प्रस्तुत हुई है। तो कोश, इस प्रकार के हमने इनकी परंपरा का आकलन किया। धन्यवाद। Thank you.
मित्रों, अभी हमने पिछले अध्याय में, पिछले वक्तव्य में कोशों के निर्माण की परंपरा का आकलन किया था कि कोश निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, क्या क्या कोश निर्माण की पद्धतियां अपनाई गई और किस तरह से वैदिक साहित्य से होते हुए, लौकिक संस्कृत साहित्य से होते हुए, पाली प्राकृत से होते हुए और हिंदी में कोश की एक परंपरा, एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई। ये हमने अध्ययन किया। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अनुवादक जब अनुवाद करता है तो अनुवाद करते समय कोश की और पारिभाषिक शब्दावली, इनकी क्या उपादेयता रहती है, इनकी क्या उपयोगिता रहती है। अनुवाद के संदर्भ में हम कोशों की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। अनुवादक मूलतः एक भाषा की सामग्री के कथ्य को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। उसके सामने दो भाषाएं होती हैं, एक स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा, और अनुवादक के लिए दोनों भाषाओं के ही पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों भाषाओं पर उसका पर्याप्त अधिकार है, तभी वे अनुवाद कार्य करने में सफल हो सकता है। अब जब वो एक भाषा का अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने लगता है तो अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर अनुवाद करता है। उसके मस्तिष्क में एक संकल्पनाएं जो शब्द की बनी हुई है, उस शब्द से जुड़ा हुआ उसका जो प्रतिशब्द दूसरी भाषा में है, जिस भाषा में वे अनुवाद कर रहा है, तो उस अपनी स्मरण शक्ति पर के आधार पर अनुवाद करता है। पर स्मरण शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, तो अनुवाद करते समय अनुवादक को विभिन्न सहायक सामग्रियों का सहारा लेना पड़ता है, और इन सहायक सामग्रियों में कोश का स्थान महत्वपूर्ण है। कोश एक मुख्य उपकरण है जो अनुवादक को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में भाषांतरण करने में सहायक होता है। अब किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान तो अनुवादक को हो सकता है, वे उस भाषा के किंतु वैसा ही अधिकार, वैसा ही ज्ञान दूसरी भाषा में भी उतना ही हो, ये प्रायः कठिन होता है। और एक और भी बात होती है कि हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उस भाषा का अपना स्वरूप होता है, उस भाषा के अपने मुहावरे, अपनी जातीय चेतना होती है, और जब हम उसको दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं, जब भाषांतरण करने लगते हैं, तो दोनों भाषाओं की प्रकृति को, दोनों भाषाओं के स्वरूप को समझते हुए उसका जब अनुवाद करते हैं तो अनुवादक को अनेक शब्दों में कठिनाई होती है, और ऐसे समय में वे शब्द कोशों का सहारा लेता है। और शब्द कोश में भी हम देखते हैं कि अब अनुवादक कौन से विधा का अनुवाद कर रहा है, वे साहित्य का अनुवाद कर रहा है, वे किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का अनुवाद कर रहा है, विज्ञान का कर रहा है, या कार्यालयी अनुवाद कर रहा है, या राजनीति के किसी क्षेत्र का अनुवाद कर रहा है, या भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में भूगोल का, या जीव विज्ञान का, या प्राणी शास्त्र का, या आयुर्विज्ञान का, चिकित्सा शास्त्र का अनुवाद कर रहा है, तो उसके अनुकूल ही उसे शब्दकोश की आवश्यकता होती है। ऐसे ही शब्दकोश भी अनेक प्रकार के हैं, एकभाषी कोश हैं, द्विभाषी कोश हैं, समांतर कोश हैं जिनको थिसारस भी कहते हैं, और इसी तरह से मुहावरे लोकोक्ति पर्याय कोश हैं, या पारिभाषिक शब्दावली हैं, पारिभाषा कोश हैं। तो अनुवादक को अनुवाद करते समय किस कोश की आवश्यकता है, ये अनुवादक को सर्वप्रथम निर्णय करना होता है। अगर वे साहित्यिक अनुवाद कर रहा है तो उसे एक भाषी कोश की भी आवश्यकता पड़ती है। जब अनुदय विषय की विशिष्ट संकल्पनाएँ अनुवादक के लिए अस्पष्ट होती हैं, जब अनुवादक को लगता है कि स्रोत भाषा में इसका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं है, तब उन्हें समझने के लिए और उनके समतुल्य प्रतिशब्द देने के लिए, कि उसका बिल्कुल समतुल्य कौन सा प्रतिशब्द रहेगा, इसके लिए वे एक भाषी कोश को देखता है, उसे एक भाषी कोश लेने की सहायता पड़ती है। जब अनुवादक को स्रोत भाषा के किसी कठिन शब्द का सटीक अर्थ ज्ञात नहीं होता, तब उसकी जानकारी के लिए अनुवादक
एक भाषी कोश का उपयोग करता है। और एक भाषी कोश में साहित्यिक और सांस्कृतिक कृतियों के जब अनुवाद करते हैं तो उसमें ये एक भाषी कोश विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। और एक भाषी कोश में ही पर्याय कोश, लोकोक्ति मुहावरा कोश, विलोमार्थक कोश, सूक्ति कोश, कथा कोश आदि सम्मिलित रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुवादक तो एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण कर रहा है, तो उसके लिए एक भाषी कोश कैसे सहायक हो सकता है, उसको एक भाषी कोश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनुवादक के प्रसंग में एक भाषी कोश की अनिवार्यता असंदिग्ध आवश्यक है। भाषा विशेष के एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों का संधान करने के लिए एक भाषी कोश की आवश्यकता है। मित्रों, इस बात को मैं आपको अज्ञेय की एक कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है धूप। उस कविता की पंक्तियाँ हैं, धूप सूप सूप भर, धूप कनक, यह सूने नब में गई बिखर, चौंधाया बीन रहा है उसे अकेला एक कुरर। अब यहाँ पर देखिए कुरर शब्द आया है। अब इस कुरर शब्द का अर्थ देखने के लिए एक भाषी कोश की आवश्यकता है। अब एक भाषी कोश में जो इस कुरर शब्द का अर्थ दिया गया है, वे क्रौंच दिया गया है, कराकुल दिया गया है तथा एक प्रकार का गिद्ध, तो ये तीन अर्थ दिए हुए हैं। अब इस कविता के संदर्भ में कौन सा अर्थ उचित रहेगा, अनुवादक को ये देखना है। तो जैसे इस कविता में उसका कुरर का सटीक अर्थ है क्रौंच पक्षी, तो वो क्रौंच पक्षी के लिए किया गया है। तो जब वो एक भाषी कोश देखेगा तभी उस संदर्भ के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल दिए गए अनेक अर्थों में से अपने जो रुचि का अर्थ है, जो उसके प्रसंग के अनुकूल सटीक बैठता है, उस अर्थ को वे स्वीकार कर लेगा। तो एक भाषी कोश से अनुवादक को शब्द विशेष की अर्थ छटाओं को भली प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। तो एक शब्द की जो अनेक अर्थ छटाएं होती हैं, जैसे पर्याय कोश है, उसमें एक ही शब्द के अनेक पर्याय दे दिए गए। अब संदर्भ विशेष में कौन सा पर्याय उपयुक्त ठहरेगा, कौन सा वहाँ पर सटीक बैठेगा, ये अनुवादक की अपनी समझ पर, उसकी सावधानी, उसकी सजगता पर निर्भर करता है। वे विषय को कितना उस शब्द को समझा है उस पर निर्भर करता है और एक भाषी कोश उसमें सहायक होता है। इसी तरह से जब कार्यालयी अनुवाद किया जाता है, जब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का अनुवाद किया जाता है, तो वहाँ पर अनुवादक के लिए द्विभाषी कोश अधिक महत्वपूर्ण होता है। द्विभाषी कोश की उपयोगिता उस समय बढ़ जाती है। अनुवाद कार्य के दौरान अनुवादक को इन्हीं दोनों भाषाओं से संबंधित द्विभाषी कोश की आवश्यकता पड़ती है। द्विभाषी कोश में किसी एक भाषा विशेष के शब्दों के अर्थ, उनकी व्याकरणिक कोटि, उनका प्रयोग और कई बार उनके उद्धरण भी दिए जाते हैं कि वह शब्द विशेष किस साहित्यकार ने किस रूप में प्रयोग किया है, उसका एक उदाहरण भी दे दिया जाता है। तो द्विभाषी कोश में शब्द, मान लिया हिंदी से अंग्रेजी शब्द है या अंग्रेजी से हिंदी में है या हिंदी से मराठी शब्द है, तो उस शब्द की क्या व्याकरणिक कोटि है, उसका क्या लिंग है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, वो एक वचन है, बहुवचन है, या उस शब्द के कितने अर्थ हैं और वे शब्द किस अर्थों में कहाँ प्रयोग किया है, साहित्यकारों ने किन संदर्भों में उस शब्द विशेष का प्रयोग किया है, ये पूरी सूचना द्विभाषी कोशों में उपलब्ध हो जाती है। और कार्यालयी साहित्य के अनुवाद में अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी, ये द्विभाषी कोश जो है अत्यधिक उपयोगी होते हैं। द्विभाषी कोशों का उपयोग स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति और प्रयोग को ध्यान में रख करके ही किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसके अपना एक सांस्कृतिक चेतना होती है, प्रत्येक भाषा की एक अपना संरचना होती है, तो उसके अनुरूप अनुवाद जिस भाषा में किया जा रहा है उसकी प्रकृति
और उसकी संरचना के अनुरूप ही अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए, ताकि अनुवाद में भाषा के प्रवाहगत सहजता जो है उसकी रक्षा की जा सके। अब एक यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ। जैसे शब्द एक पंक्ति है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन माई assertion। अब यहाँ assertion शब्द आया है। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी अंग्रेजी हिंदी कोश में इस assertion शब्द के तीन अर्थ दिए हैं, दृढ़ कथन, दावा और हठधर्मिता। अब अनुवादक को देखना है कि वे इन शब्दों में से इस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से कॉन्फिडेंट शब्द जो है उसके लिए भी फादर कामिल बुल्के ने अर्थ दिए विश्रम्भी, आश्वस्त, विश्वस्त, आत्मविश्वासी, निश्चयी। अब अनुवादक को प्रसंग के आधार पर इन शब्दों में से अपना शब्द चयन करना होगा कि मैं अपने कथन पर आश्वस्त हूँ। तो इस तरह से 3, 4, 5 जितने भी पर्याय दिए हुए हैं अपने प्रसंग और संदर्भ को देखते हुए वे चुन लेगा। इसी तरह से द्विभाषी कोशों में मूल शब्द, मूल प्रविष्टि तो दी होती है, उस मूल शब्द के जितने अर्थ, जितने पर्याय हैं वे दिए जाते हैं, और साथ ही उस शब्द से क्या नए शब्द बन सकते हैं ये भी दिए जाते हैं। जैसे फादर कामिल बुल्के के अंग्रेजी हिंदी कोश का मैं उदाहरण देती हूँ, उन्होंने शब्द दिया एक्यूज, पहले एक्यूज शब्द दिया, फिर उसके अर्थ दिए दोष लगाना, दोषारोपण करना, आरोप करना। फिर वह शब्द किसी ज्ञान विशेष की विशिष्ट विधा में किस अर्थ में प्रयोग होता है वह दे दिया, जैसे लॉ, ब्रैकेट में लॉ लिख दिया और उसके आगे लिख दिया अभियोग लगाना, कि सामान्य अर्थ उसका दोष लगाना, दोषारोप करना, आरोप करना हो सकता है, पर विधि के अर्थ में, लॉ के अर्थ में जब हम बात करेंगे तो वहाँ उसका अर्थ अभियोग लगाना होगा। और इसी एक्यूज के आगे डी लगा दिया जाए, एक्यूज्ड लगा दिया जाए, तो वहाँ उसका अर्थ अभियुक्त या मुलजिम हो जाएगा। ऐसे ही एक्यूज के आगे आर लगा दिया, एक्यूज़र कर दिया, तो वहाँ उसका अर्थ अभियुक्ता हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक एक्यूज शब्द का ज्ञान विशेष की विशेष शाखा में किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो वह भी देते हैं कोशकार, और उस शब्द से मिलता हुआ जैसे एक्यूज्ड बना, एक्यूज़र बना, तो इस तरह से जो और शब्द निर्मित हो जाते हैं उनका भी ज्ञान द्विभाषी कोशों से मिलता चला जाता है। तो जब अनुवादक अनुवाद करता है तो द्विभाषी कोश को जब वह देखता है तो उसे उस शब्द विशेष से जुड़े हुए अन्य शब्दों की भी जानकारी हो जाती है। इसी तरह से एक कोश है उपभाषा कोश या बोली कोश। साहित्यिक अनुवाद करते हैं जब, तो अनुवादक के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, क्योंकि साहित्यकार अपनी रचनाओं में बोलियों के और उपभाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग करता है। हिंदी में विशेष रूप से जो आंचलिक उपन्यास लिखे गए, जैसे रेणु का मैला आंचल है, या श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, या राही मासूम रजा का आधा गांव है, या रांगे राघव का कब तक पुकारू है, नागार्जुन का बल चन्नम्मा है, ये सारे आंचलिक उपन्यास हैं, और इसमें अंचल विशेष के, क्षेत्र विशेष के आंचलिक शब्दों की तो भरमार है। अब जब अनुवादक अनुवाद करने लगता है तो उसे इन आंचलिक शब्दों के दूसरी भाषा में अनुवाद करने में कठिनाई आती है, और उस समय में जो उपभाषा कोश हैं वह उसके लिए उपयोगी रहते हैं। हिंदी में जैसे हिंदी अवधि कोश, हिंदी भोजपुरी कोश, या मैथिली हिंदी बुंदेली कोश, हिंदी ब्रज भाषा कोश, ये कोश बनाए गए हैं जिनसे उन शब्दों की, उन जो अंचल विशेष के, क्षेत्र विशेष के शब्द हैं उनके अर्थ को, उनकी प्रकृति को समझ करके अनुवादक दूसरी भाषा में उसका भाषांतरण कर सके। अंग्रेजी में ही एक महत्वपूर्ण कोश जोसेफ राइट का है, द इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑक्सफोर्ड से ये प्रकाशित हुआ है। तो बोलियों के जानने के लिए, डायलेक्ट्स के जानने के लिए ये कोश अनुवादक के लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसे ही साहित्यिक अनुवाद जब अनुवादक करता है तो देखता है कि साहित्य में
अनेक अपभाषा के शब्द, भदेश शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो मानक शब्द नहीं है और वे शब्द सामान्य शब्दकोशों में नहीं मिलते। अब जैसे हिंदी में कई बार प्रयोग किए गाली गलोच दे दी जाती है, कहीं कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, इस उसमें पात्र है, जो पात्र गाली गलोच करता है तो वो गाली गलोच भी उस उपन्यास के पात्र की सहजता के लिए दे दी जाती है। अब जब उसका भाषांतरण करना है तो अनुवादक के सामने समस्या आती है। या कई बार ऐसे शब्द है जैसे पंगा लेना है, या चालू शब्द है, या पोगा पंती आदि। अब इन शब्दों का दूसरी भाषा में कैसे अनुवाद करें, ये समस्या अनुवादक के सामने आती है। तो उसके लिए अपभाषा कोश या भदेश भाषा कोश की उपयोगिता रहती है। परंतु ये हमारी बड़ी विडंबना है कि हिंदी में इस प्रकार के कोश का निर्माण नहीं हुआ। हाँ, अंग्रेजी में एक कोश मिलता है, अ डिक्शनरी ऑफ स्लैंग एंड अनकन्वेंशनल इंग्लिश। एरिक पैट्रिज ने ये कोश तैयार किया है और जो स्लैंग्स के लिए, जो इस तरह के भदेश शब्द हैं अंग्रेजी के, उन शब्दों को जानने के लिए इस प्रकार के कोश की सहायता ले ली जाती है। इसी तरह से समांतर कोश है। अब आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, नित नई तकनीकी विकास हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का संचार हो रहा है, पूरा इंटरनेट का जाल बिछ गया है, और ऐसे में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जब अनुवाद की बात आती है, जब तकनीकी शब्दों के अनुवाद की बात आती है, तो उसके लिए कोश अत्यधिक लाभकारी हो जाते हैं, कोश की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। और इन क्षेत्रों में अनुवाद के लिए समांतर कोश, जिसे अंग्रेजी में थिसारस कहा जाता है, उसका आधुनिक काल में प्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक विज्ञान जो तकनीकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान के साथ ही थिसारस का प्रयोग भी, उसका महत्व भी आज समाज में बढ़ा है। समांतर कोश विविध में विविध श्रेणियों के शब्द होते हैं। इन शब्दों के अर्थ, इन शब्दों के पर्याय, उनके विपर्यय, उनके विपरीत शब्द, उन शब्दों की अवधारणाएं, ये सब इन पर्याय कोशों में विद्यमान रहते हैं। अनुवादक को अनुवाद करते समय इन समांतर कोशों से बहुत लाभ मिलता है। किसी तकनीकी शब्द का क्या क्या उसके लिए भाषांतरित शब्द हो सकते हैं, वे इनका इन थिसारस से या इन समांतर कोशों से जान सकता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जैसे मान लिया एक शब्द है, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने शब्द आता है डिसीट, DECEIT, जिसका अर्थ है धोखाधड़ी। अब इस शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में अनेक अर्थ मिल सकते हैं। जैसे स्कैंडल शब्द है, घपला के लिए आ जाता है, स्कैम शब्द है, घोटाला के लिए आ जाता है, फॉर्जरी शब्द है, जालसाजी के लिए, फ्रॉड शब्द है, धोखाधड़ी के लिए। तो अब संदर्भ विशेष में धोखाधड़ी शब्द का प्रयोग करना है, घोटाला शब्द का प्रयोग करना है, या जालसाजी शब्द का प्रयोग करना है, किस शब्द का प्रयोग करना है चीटिंग के लिए, तो वो उनके अर्थ इन पर्याय कोशों से, इस समांतर कोश से जान करके वे उपयुक्त शब्द का चयन कर सकता है। ऐसे कर शब्द है, उसके लिए टैक्स शब्द भी है, ड्यूटी शब्द भी है, और सेस शब्द भी है। मार्ग कर के लिए, चुंगी के लिए हम रोड टैक्स शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे ड्यूटी फ्री कहते हैं, और एजुकेशन सेस कहते हैं। तो कर के लिए कब सेस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कब ड्यूटी का प्रयोग किया जाएगा, कब टैक्स का प्रयोग किया जाएगा, तो ये अनुवादक समांतर कोश से जान सकता है। इसी प्रकार से हिंदी में पारिभाषिक शब्दकोश का निर्माण किया जा रहा है। पारिभाषिक शब्दकोश व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाए गए हैं, परिभाषा कोश, और ये शब्दकोश भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा भी निर्मित किए गए हैं। तो जब पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद किया जाता है तो अनुवादक इन कोशों की सहायता से ही उसका प्रतिशब्द लेता है। अनुवादक अगर अपनी इच्छा से कोई शब्द ग्रहण करेगा तो हर अनुवादक अपनी मर्जी से शब्द गढ़ता चला जाएगा, तो उस स्थिति में
एक प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो जाती है और एक अराजकता की भी स्थिति बनती है। तो पारिभाषिक शब्दों का निर्माण इसलिए किया गया है कि जो नए तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्र में नवीन शब्द आए हैं उनका प्रतिशब्द भाषा विशेष में क्या हो, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका हिंदी में उपयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या है, और उसके साथ साथ उन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं भी दी गई हैं ताकि अनुवादक उस शब्द विशेष, क्योंकि पर्याप्त ज्ञान सभी के पास नहीं है, अब ज्ञान विशेष का अनुवाद कर रहा है, कोई एक नया अवधारणा मूलक शब्द आया है, अनुवादक उस शब्द को नहीं समझता है या वे केवल उस शब्द का दूसरी भाषा में क्या शब्द है वे जानता है पर उसकी मूल अवधारणा को नहीं समझता है। ये परिभाषा कोश जो है जिनमें इन अवधारणा मूलक शब्दों को स्पष्ट किया गया है, अनुवादक उन शब्दों की परिभाषा को पढ़ करके उन शब्दों को उनके अर्थ को अच्छे से ग्रहण करता है, तो अनुवादक का ज्ञान भी बढ़ता है और इस प्रकार से अनुवाद करने में ये सारे कोश, समांतर कोश, एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, ये सब उसके लिए सहायक होते चले जाते हैं। तो अनुवादक अनुवाद करते समय किस कोश का प्रयोग करे ये उसके अपने विवेक पर, उसकी अपनी रुचि पर निर्भर करता है, उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी का। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको विस्तृत जानकारी मिली होगी हमारे इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से। हम यही चाहेंगे कि आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभ मिला होगा। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।